कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मिलना कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बात की है, लेकिन ये वीडियो फोकस करेगा कि बेसिकली अभी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या एक्चुअल में हमें एक टोटली कितना रिफॉर्मेशन की जरूरत है हर लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम इज आर्काइक, आउट ऑफ डेट, इट्स टाइम टू रिविजिट इट। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, और उसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास बेटर सॉल्यूशन है या आपके पास एक बेटर काउंटर है मेरे उस सॉल्यूशन का, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट, मेरा नाम है प्रियंक और आज हम बात करने वाले हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम पे। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमिक लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे। तो यहाँ पे बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल आप कास्ट को ही हटा दीजिए, यानी कि केवल फर्स्ट नेम ही रखा जाए, जैसे कि मेरा नाम प्रियंक सिंघवी है तो मैं केवल प्रियंक ही नाम यूज किया जाए, इसी तरह से बाकी सारे लोग अपना सरनेम हटा दें जिससे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात ही खत्म हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और सबके डेटा रिवाइज करना, सबके डॉक्यूमेंट रिवाइज करना, और लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। सो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक बर्डन एंड एट द सेम टाइम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग कहीं हटाना चाहेंगे कहीं नहीं हटाना चाहेंगे, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट सॉल्यूशन। सो मेरी तरफ से फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि रिजर्वेशन उन लोगों के लिए हटा देना चाहिए जो कि जिनके फादर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं, और वो बहुत इजीली ट्रैक भी किया जा सकता है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट अपने फादर से अटैच होते ही उस पर्सन के। तो जिनके भी फादर ग्रुप ए बी सी डी की जॉब में रह चुके हैं, जो उस लेवल पे कर रहे हैं, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि जो भी इस लेवल पे ग्रुप में, जो भी इन ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी जो एक नेशनल एवरेज इनकम है उससे वो ऊपर ही कमा रहे होते हैं। तो उन लोगों को अब इतनी ज़रूरत नहीं है जितने कि और बाकी के लोग बच गए हैं उन्हीं की कैटेगरी के लोगों के, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसी के अंदर एक और ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के लोग होंगे और मान लीजिए उन्होंने बिजनेस किया है या किसी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, तो उन लोगों को भी वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेवल पे सोसाइटी के अंदर आ चुके हैं और अब उनकी रिप्रेजेंटेशन बाकी के जो फॉरवर्ड कास्ट लोग हैं उनके बीच में होने लग गई है। और इसी के अंदर सब पॉइंट ये भी है कि वो जो कि ऑलरेडी NRI हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, जो कि बाहर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो या तो उन्होंने अगर अपने बच्चों को एक किसी डेवलप्ड इकोनॉमी में भेजा है और जो कि वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो इसका नेचुरल सी बात यह है कि वहाँ पे मोस्ट लाइकली जो भी वो फैमिली होगी वो ऑलरेडी फाइनेंशियली वेल टू डू होगी, तो उनको भी ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर खुद ऑलरेडी वो कहीं पर जाके किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर कमा रहे हैं तो उन्हें भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छा खासा कमा रहे होंगे और उनको भी एक तरह से फाइनेंशियली वेल ऑफ होने की अब ज़रूरत नहीं है, उस रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सेकंड सॉल्यूशन मुझे ये लगता है कि जब हम फर्स्ट सॉल्यूशन को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो अब जो है यहाँ पे रिजर्वेशन उन लोगों को मिले जो कि एक्चुअल में डिजर्विंग होंगे, वो लोग जो कि एक्चुअल में काफी पीछे रह गए हैं, जिनकी एक तरह से इनकम नेशनल एवरेज इनकम से भी काफी कम है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर एक परिवार में किसी को रिजर्वेशन मिल जाए और बेनिफिट मिल जाए, तो फिर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दूसरे परिवारों को मिलने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये रिजर्वेशन का जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो वो एक तरह से वंस इन अ लाइफ टाइम मिले, वो भी सिर्फ एजुकेशन के लेवल पे, जॉब के लेवल पे नहीं, क्योंकि जो आदमी एक तरह से हाईली आपने जैसे एजुकेटेड कर दिया या जो कि पावरफुल हो गया, यूनिवर्सिटी के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल के लेवल पे नहीं, तो अगर एक बार आपने मान लीजिए उसका किसी IIT के अंदर, एम्स के अंदर या बड़े बड़े NIT या किसी इनके अंदर उसे एजुकेशन में एक तरह से एडवांटेज मिल गया वहाँ पे आने का, तो उसके बाद में जो है वो ऑटोमेटिकली वो पर्सन अच्छी जॉब अपने पाने के लिए सक्षम है, तो अब वहाँ पे जॉब में, सरकारी जॉब में वापस उसे अवेल करने की जरूरत नहीं है। और एजुकेशन के अंदर भी एक बार अगर उसे दे दिया तो अब उसको बार 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 बार, मतलब कि वो BTech कर रहा है तब भी उसे मिल रहा है, MTech कर रहा है तो भी मिल रहा है, PhD कर रहा है तो भी मिल रहा है, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए कोई BTech करने के लिए IIT में पहुंच गया रिजर्वेशन लेके, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे उस अच्छे माहौल के अंदर वो रह के वो ऑब्वियसली उस 3-4 साल के अंदर उस गैप को फुलफिल कर पाएगा और MTech के लिए सेम लेवल पे फाइट कर सकता है अगर वो सही से मेहनत करता है तो। थर्ड सॉल्यूशन यह है कि जितने ज़्यादा हो सके क्वालिटी लेवल के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, ऑलरेडी जो है उनको सुधारा जाए, इसके बारे में मैंने डिटेल में पहले भी वीडियो बनाया। सरकार को बोलिए कि यहाँ पर और यूनिवर्सिटीज बनाएं, और स्कूल्स और कॉलेजेस बनाएं, जिससे कि सीटें सबके लिए ज़्यादा हो सके, या फिर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएं जिससे कि लोग और फील्ड तक जा सके और नौकरियां अवेलेबल हों।
ये एक्सट्रीम ना हो, आईआईटी के लेवल तक ना सही लेकिन कम से कम कुछ एक लेवल तक तो लेकर आए, एक एजुकेशन का लेवल, जिससे कि जो रेस है एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वो रेस थोड़ी जो है वो डाइवर्ट हो, थोड़े और भी इंस्टीट्यूट के लिए वहां पे जा सके। पढ़े लिखे रहेंगे तो अम्बेडकर साहब का वो कथन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। अगर हम देश में सारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी कर दें, एक जनरेशन के अंदर वो डेवलपमेंट जो है उसके घर में भी पहुंच जाएगा, और उसके बच्चे अगर ठीक से पढ़ लिख गए तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सबको समान स्तर पे एक एक जनरेशन के अंदर लाके खड़ा कर सकती है। ये जो बच्चों ने क्लियर किए हैं एग्जाम, इसका क्रेडिट सारा केजरीवाल जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने स्कूलों में इतनी सुविधा दी है कि अब बच्चों को अब ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छे टीचर हैं। एंड फोर्थ एंड फाइनल इज कि जो भी रिजर्वेशन बेस यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, रिजर्वेशन मेक्स अ कैमियो इन एवरी मेजर इलेक्शन इन इंडिया। वन साइड प्रॉमिसेस मोर कोटा, अनदर चैंपियंस इक्वालिटी। रिजर्वेशन इज यूज्ड फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। And this is not news if you're in India. वो सब एक तरह से सरकार के लेवल पे हाईली डिस्करेज होना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए, तब जो है हम कुछ फॉरवर्ड लुकिंग हो सकते हैं। अब इनमें से कुछ लोग जो कि ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के लोग हैं और जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, वो उन्हें थोड़ा बुरा लग सकता है, पर अगर आप यहाँ ढंग से देखोगे तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि परसेंटेज में कम नहीं होना चाहिए जितना भी एग्जिस्टिंग परसेंटेज दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन एक्चुअल में सही लोग वहाँ पे आ पाए वो मैं उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। और आप खुद सोच के देखिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपने आपके फोर फादर्स ने कितना ज़्यादा जो है एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया होगा, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि किसी भी लेवल पे जो आपकी आप ही के जैसे जो बाकी के लोग रह गए हैं उनको भी जो है ऊपर उठने का मौका मिले, वो भी आपके जैसे एक समानता फील कर सके सोसाइटी के अंदर, और वो भी जो है एक तरह से चैन की सांस ले सके। He said it's better that we should all suffer a little than any of us should have to suffer a lot. अब अक्सर जो जनरल कैटेगरी के लोग या फिर फॉरवर्ड कास्ट के लोग होते हैं वो इस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जैसे कि भंगी, चूड़, चमार, हरिजन, मेहतर। थोड़ी मर्यादा रखिए, अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोलूं कैसी लगी आगे स्वाद। किसी भी आप विकसित कंट्री को उठा के देख लीजिए, मैं यहाँ पे चेक रिपब्लिक में हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई स्वीपर भी है, सफाई भी करने वाला है या कोई भी काम करने वाला है, वी हैव टू बी रियली रिस्पेक्टफुल। और ये कोई यहाँ पे फोर्सफुल नहीं है, मैंने देखा है यहाँ बहुत ही नेचुरल है, कल्चर का पार्ट है। तो आप कैसा समाज उम्मीद कर रहे हैं कि आप विकसित भी हो जाएं लेकिन आपके अंदर यही दिमाग के अंदर मतलब गंदगी भरी रहे कि अगर कोई एक तरह से आपका शिट साफ कर रहा है तो वो एक तरह से नीचा हो गया या वो लोअर कास्ट का हो गया, वो छूने लायक नहीं है, बात करने लायक नहीं है, उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, मतलब क्या ये उम्मीद कर रहे हैं? शेर और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते हैं मोहन बाबू, हमार धर्म भ्रष्ट करने पर काहे तुले, खुद तो भ्रष्ट हो ही, हमें भी भ्रष्ट करना चाहते हो। अब इस लॉजिक के ऊपर मैं एक बहुत ही भद्दा एग्जांपल दूंगा जो शायद आपको अच्छा ना लगे पर शायद आपको सुनने की जरूरत है। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके हो सकता है पेरेंट्स में मम्मी ने या पापा ने आपकी पॉटी साफ की होगी, तो एक तरह से शिट तो वो भी आपका साफ कर रहे हैं, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो एक तरह से छोटे हो गए या फिर अब उनके साथ बात नहीं की जानी चाहिए या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाना चाहिए? मतलब आप सोच के देखिए, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स की बात आ रही है तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन वहीं पे जब कोई दूसरा समाज का एक तबका जो हमारे लिए काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि नहीं वो नीची जात का है, हमें बात नहीं करनी चाहिए, देखना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, दिस इज इनसेन। या मान के चलिए कि किसी नियर एंड डियर वन का आपके एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे अर्जेंट ब्लड की जरूरत है, खून की जरूरत है, तो क्या वहाँ पे आप ब्लड बैंक के अंदर जाके भी यही सवाल पूछते हैं कि क्या ये ओबीसी का आ रहा है या ये चूड़ का आ रहा है, चमार का आ रहा है, भंगी का आ रहा है, या फिर आप उस समय ब्लड उठा लेते हैं? क्योंकि अगर आप वहाँ पे ब्लड उठा रहे हैं बिना ये पूछे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और या फिर जो आपके घर बनाते हैं या फिर मान लीजिए मंदिर बनाते हैं या मस्जिद बनाते हैं, तो वो यूजुअली जो एक तरह से लेबर इन्वॉल्व होता है वो यही एस टी एस सी कैटेगरी का लेबर एक तरह से इन्वॉल्व होता है, तो फिर आप कैसे उनको ये काम दे रहे हैं? क्योंकि आप तो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, तो फिर आपको तो उन्हें काम देना ही नहीं चाहिए, आप किसी पकड़ के लाओ किसी जनरल कैटेगरी के लोगों को। बहस मत करो भाई, बहस मत करो। ये एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, हर कोई सोसाइटी का पार्ट है और हर कोई सोसाइटी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है कि आप उनके कभी काम करना पसंद ना करें जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो आपके काम जरूर
कर लेंगे, तो बेसिकली हमें उनकी ज्यादा जरूरत है। अगर वो ना हो तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम ना हो तो अगर उन्हें एजुकेट कर दिया जाए तो वो भी वो वाला काम तो खुशी खुशी कर ही लेंगे। तो यहाँ पे जबरदस्ती हैकड़े दिखाने की जरूरत नहीं है उन लोगों के सामने जो कि राइट नाउ एक तरह से फाइनेंशियली पीछे हैं या फिर जो सोशली पीछे रह गए। थर्ड बात करते हैं जो कैटेगरी वाले लोग हैं, यानी कि जो ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लेवल पे, उनके माइंडसेट के लेवल पे या उनके बिहेवियर लेवल पे क्या चेंजेस आने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि अक्सर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका ये रहता है कि ये बात तो करते हैं कि हमें बराबरी का फील होना चाहिए, हमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर करोगे तो लॉ बना हुआ है, हम आप पे केस ठोक देंगे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन जब इन्हें समानता का अनुभव किया जाता है, जब एक तरह से वो हमारे बराबरी लेवल पे उठ बैठ रहे हैं, एक तरह से फाइनेंशियली भी हमारे बराबर हैं, तो फिर यहाँ पे इनकी हिपोक्रेसी नहीं है कि ये सब बराबर होने के बावजूद भी एक तरह से वो कास्ट सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहे हैं जब भी कहीं एडमिशन की बात आती है, जॉब की बात आती है। ये नहीं कहता कि पूरे कंट्री के अंदर ऐसे ही हो रहा है, पर मुझे पता है कि बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे फिर भी जो एक तरह से डेवलप्ड स्टेट्स हैं या फिर डेवलप्ड सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे इतना छुआछूत बहुत मेजर लेवल पे नहीं। फिर ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मुझे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ रहा अपने दोस्तों के बीच में, तो फिर मैं भी तो जो है अपना उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट को छोड़ूं और जनरल की तरफ फाइट करके बताऊं। ये इसलिए भी कि मेरे जो बाकी के लोग हैं जो एक्चुअल में डिजर्विंग हैं, जो मेरे से मेरी कैटेगरी के लोग हैं लेकिन फाइनेंशियली पीछे हैं, उनको फ़ायदा मिले, एक भाव ये भी हो सकता है। और दूसरा भाव ये भी कि भाई मेरी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, कि मैं अगर इनके लोगों के साथ में उठ बैठ रहा हूँ तो मैं भी जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकता हूँ विद गिवन द सेम सिनेरियो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगता है सोशली हमें ऐसे एग्जांपल्स की ज़रूरत है जो कि सच में कैटेगरी से बिलोंग करते हों और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है कैटेगरी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो एक लेवल पे ऑलरेडी सक्सेसफुल उनकी फैमिली या वो हो चुके थे। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखिए, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ लेकिन आई एम इन द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ योर्स। इस सारे डेटा से प्रूव हो जाता है कि सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन काफी नहीं है हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ध्रुव राठी एक तरह से हरियाणवी जाट है जो कि जनरल कैटेगरी में ही आता है। इसी के साथ में जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, मुझे आरक्षण नहीं मिलता इसके बावजूद मैं आरक्षण का सैद्धांतिक समर्थक हूँ, मेरा मानना है कि आरक्षण एक बहुत जरूरी व्यवस्था है। इतने सारे जनरल कैटेगरी के लोग सामने आ रहे हैं रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए, बिना अपने एक तरह से बायसेस को या उन्हें क्या फील होता है उसको अलग रख के जेन्युइनली आपके लिए सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो फिर अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी हमें बताइए कि जब आप एक तरह से जो एक तबका बराबर आ चुका है उस ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी में हमारे लेवल पे, तो वो उस डेलिब्रेटली उस रिजर्वेशन को, उस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को धक्का दे, उसको छोड़े और जनरल कैटेगरी की तरफ फाइट करके दिखाए। एंड इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि आप हर बार ये बोलते रहे कि अरे सदियों से दक्षिणा ले लेके भर लिया अपनी पेटियां आप लोगों ने और हमसे खैरात की बात करते हैं। वी एक्सेप्ट इट एंड वी अपोलोजाइज इट, लेकिन आज की तारीख में आप सीनेरियो बात करो, आप कब तक जो है पिछला टोकरा ढोते रहोगे कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ तो हम भले आज की तारीख में बराबर भी हो गए उसके बावजूद भी रिजर्वेशन फैसिलिटी अवेल करते रहेंगे और एक तरह से हम अपने ही कैटेगरी के बाकी के लोगों के दुश्मन बनेंगे और हम फिर भी जो है मतलब लो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ डील करते रहेंगे। और वैसे भी अगर आप ठीक ठाक लेवल पे आ चुके हो तो आज की तारीख में फ़ोन, इंटरनेट बहुत कुछ मिल जाता है बहुत ही एक तरह से रीजनेबल प्राइस पे, और आप अपनी ग्रोथ वैसे भी कर ही सकते हैं। अलग अलग यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखा रहे होते हैं, आप मेरी वीडियोस को उठा के देख लीजिए। एक अगर साइंटिस्ट किसी को बनना है जर्नी, तो उस पर इतने वीडियो बना दिए हैं कि आई डोंट थिंक अब उसमें कुछ ज़्यादा बाकी रहा है। तो आई थिंक नाउ नॉलेज इज़ फ्रीली अवेलेबल, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू और इट इज़ नॉट जस्ट बाउंड टू सम फॉरवर्ड कास्ट पीपल या ब्राह्मण लोग या उन्हीं के पास नहीं बचा है, इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द प्लेस। तो ये मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट के लेवल पे जनरल कैटेगरी के लोगों पे और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनकी तरफ से इस तरह का जब रिजोल्यूशन आएगा, जब रिफॉर्मेशन आएगा, तो एक तरह से कलेक्टिवली चीज़ें बदलेगी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, एट द सेम टाइम किसी भी लेवल पे जो है फाइनेंशियली भी जो है गैप कम होगा, हर एक को हेल्थ का, एजुकेशन का एक बराबर एक्सेस मिल पाएगा। तो समझने की बात यह है कि अगर हम इन तारों को मिलाकर देखें तो कुछ भी बनता है, हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग देखें तो सुंदर है पर सिर्फ टिमटिमाते तारे। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।